पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में तो हर कोई जानता है, जिसमें गूगल भी आता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले गूगल ने इमरान खान को इंटरनेशनल भिखारी बताया था। तो हम ये कह सकते हैं कि गूगल को भी इमरान के बारे में सब पता है, लेकिन इमरान की बेगम के बारे में कुछ लोगों को ही मालूम है, और जिनको पता है वो भी उनके बारे में कुछ ऐसी हैरान करने वाली बातें बताते हैं जिसको सुनकर जल्दी किसी को विश्वास नहीं होगा कि इमरान की वाइफ ऐसी हैं। इमरान की तीसरी बीवी बुशरा मनेका को लेकर पाक मीडिया कुछ ऐसे दावे कर रहा है जिन्हें सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाता है। कुछ दिनों पहले पाक मीडिया ये दावा कर रहा था कि बुशरा के पास दो जिन हैं, जिसके कुछ दिनों बाद ये कहा गया कि बुशरा की तस्वीर आईने में नहीं दिखती है। वैसे तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है किसी को भी नहीं पता, लेकिन उनकी जिंदगी काफी ज्यादा दिलचस्प रही है। इमरान खान हमेशा अपनी बेगम की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि उनकी सरकार का पहला साल काफी ज्यादा चुनौतियों भरा था, लेकिन उनकी बीवी ने पग पग पर उनका साथ दिया है, जिसकी वजह से वो इन सब चुनौतियों को पार कर सके हैं। पाकिस्तान में अभी तक कई प्रधानमंत्री और राष्ट्र प्रमुख रह चुके हैं, और सभी की बीवी सार्वजनिक समारोह से लेकर विदेश दौरे तक जा चुकी है, लेकिन बुशरा इन सबसे काफी अलग हैं, क्योंकि वो कभी भी बिना बुरके के कहीं भी नहीं गई हैं, और ना ही आज तक उन्हें किसी ने इमरान से शादी करने के बाद बिना बुरके के देखा है। मई में जब इमरान दुबई के दौरे पर गए थे तो उनके साथ बुशरा भी गई थी, वो उस समय भी बुरके में ही थी। उसके बाद जब भी वो विदेश दौरे पर गई हैं, वो हमेशा से ही बुरके में नजर आई हैं। बुशरा मनेका की पहली शादी जाने माने मनेका परिवार में हुई थी। पहले पति खावर मनेका के बड़े भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े नेता हैं। बुशरा और खावर की शादी तो तब हुई जब वो 16-17 साल की थी। उनकी 30 साल की मैरिज लाइफ में उनके 5 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। 5ों बच्चे अपने पिता के साथ रहते हैं। इमरान जब अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे थे तो इनका सूफिज्म की तरफ काफी ज्यादा झुकाव हो गया था। पाकिस्तान के पख्तन कस्बा सूफी ख्वाजाओं के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। इमरान वहाँ ख्वाजा फरीदगंज के दरबार में जाते थे, जहाँ बुशरा एक खास भूमिका निभाती थी। बुशरा उनकी धार्मिक मेंटर बन गई और वहीं से उनके बीच प्रेम बढ़ने लगा। हम आपको बता दें कि बुशरा को इमरान की बेगम से ज्यादा एक धर्म गुरु के नाम से ज्यादा जाना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि बुशरा ने कहा था कि अगर इमरान उनसे शादी कर लेते हैं तो वे पाकिस्तान के पीएम बन जाएंगे। वैसे तो ये इत्तेफाक है, लेकिन बुशरा की कहानी बाकी पाकिस्तान महिलाओं से काफी ज्यादा अलग है। यही वजह है बुशरा को लोग गूगल पर सर्च करते हैं, और रही बात पाकिस्तानी मीडिया के दावों की, तो ये तो हर कोई जानता है कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई होती है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।